नमस्कार दोस्तों, राम भक्त हनुमान से जुड़े कई किस्से आपने सुने होंगे। उनकी वीरता की हर गाथा का रामायण में विस्तार से वर्णन किया गया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अजर अमर कहे जाने वाले हनुमान जी की मृत्यु हुई थी? तो आज इस वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं कब और कैसे हुई थी हनुमान जी की मृत्यु, 6 महीने की मृत्यु के बाद कैसे जीवित हो गए थे बजरंग बली। उड़िया भाषा की विलंका रामायण में एक किस्सा मिलता है जिसमें बताया गया है कि हनुमान जी की मृत्यु उनके जीवन काल में ही हो चुकी थी, लेकिन 6 महीने मृत्यु के बीत जाने के बाद ये फिर से जीवित हो गए थे। तो चलिए विस्तार से बताते हैं कहानी। एक बार प्रभु श्री राम विलंका राक्षस राज सहस्रा के वध के लिए गए थे, लेकिन कई दिनों तक जब वो वापस नहीं लौटे तो माता सीता काफी परेशान हो गई और हनुमान जी को उनका पता लगाने के लिए भेज दिया। इसके बाद सीता मैया का आदेश मिलते ही हनुमान जी श्री राम की खोज में विलंका पहुंचते हैं और वहां राक्षस राज की परेशानी देखकर वह समझ जाते हैं कि उनके प्रभु विलंका में ही हैं। लेकिन तमाम कोशिशों के बाद भी उन्हें श्री राम का पता नहीं लग पाता है। इसके बाद वे राजभवन से बाहर निकलकर नगर में अपने प्रभु की खोज के लिए निकलते हैं। उधर राक्षस राज ने विलंका के द्वार पर एक ग्राम देवी को नियुक्त कर रखा था जो शत्रुओं को पहचान कर उनका अंत कर देती थी। इसके अलावा उत्तर दिशा के दरवाजे पर विष का सरोवर था, तो वहीं दक्षिण की ओर एक और तालाब था। जब भी कोई व्यक्ति मित्र भाव से दुर्ग में प्रवेश करता था और उस सरोवर या तालाब का जल पीता था तो वह आसानी से दुर्ग में प्रवेश कर लेता था। लेकिन शत्रु भाव से प्रवेश करने और जल का पान करने वाले व्यक्ति की मृत्यु हो जाती थी। लेकिन इस बात से अनजान हनुमान जी पहले उत्तर दिशा वाले द्वार पहुंचे और वहां खड़े होकर श्री राम के बारे में सोचने लगे। उसी समय ग्राम देवी की मुलाकात पवन पुत्र से हुई। उन्होंने पहचान लिया कि ये तो श्री राम के सेवक हैं। इसके बाद ग्राम देवी हनुमान जी के गले में बैठ गई, जिससे हनुमान जी का गला प्यास से सूखने लगा और फिर पवन पुत्र को जलपान करना पड़ा और जल ग्रहण करते ही उनके पूरे शरीर में विष फैल गया, जिसकी वजह से उनकी मृत्यु हो गई। ये सब होने के बाद काफी दिन बीत गए, श्री राम का भी कुछ पता नहीं चला और पवन पुत्र का भी। ऐसे में सभी देवताओं ने पवन देव से पूछा कि आपके पुत्र कहाँ हैं? ये सुनकर वे भी काफी परेशान हुए कि आखिर हनुमान है कहाँ। सबने ढूंढना शुरू किया तो बृहस्पति देव ने बताया कि हनुमान जी की विलंका में मृत्यु हो चुकी है। इसके बाद वायुदेव वियोग में चले गए और ऐसा होने की वजह से सृष्टि में वायु का संचार रुक जाने से जीवों के प्राण संकट में आ गए। ये स्थिति देखकर सभी देवताओं ने वायुदेव से कहा कि वे सभी उनके पुत्र को जीवित कर देंगे, लेकिन वह अपना क्रोध शांत कर ले। इसके बाद अपने कहे अनुसार सभी देवता विलंका पहुंचे और अमृत वर्षा और संजीवनी मंत्र से हनुमान जी को पुनर्जीवित कर दिया। इस तरह से हनुमान जी 6 महीने के बाद फिर से जीवित हो उठे। तो दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।